आज से राजधानी दिल्ली के बत्रा अस्पताल में स्पुतनिक वी वैक्सीन का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अभी हम दिल्ली के बत्रा अस्पताल में हैं और यहाँ पर आज से स्पुतनिक वी का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीर है यहाँ पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आगे तस्वीरें दिखाएंगे, आगे जा कर के लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। बता दें स्पुतनिक वी रूस की वैक्सीन है और इसका इंतज़ार लोग लंबे समय से कर रहे थे और आज यहाँ पर इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली का यह पहला अस्पताल है बत्रा अस्पताल, जहाँ पर इसका वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह तस्वीरें दिल्ली के बत्रा अस्पताल की है, जहां पर सोमवार से स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। बता दें लोग लंबे समय से स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन का इंतज़ार कर रहे थे और वह इंतज़ार आज से राजधानी दिल्ली में ख़त्म हो चुका है और राजधानी दिल्ली के बत्रा अस्पताल में इस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। पहले दिन यहाँ पर 400 लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है और लोग खुशी खुशी इसको लगवा रहे हैं। इसकी कीमत 1145 रुपये तय की गई है। मेरा नाम अमित सलूजा जी। अमित जी, आज आपने स्पुतनिक वी लगवाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब पता चलेगा जी, अभी फ़िलहाल तो ठीक ही लग रहा है, ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा कि कैसी रहेगी। तो जैसे लोग इंतज़ार कर रहे थे स्पुतनिक वी का और आपने पहले दिन ही लगवा लिया, दिल्ली में पहला अस्पताल है जहाँ पहुँचा। हाँ जी, तो किस तरीके से इसका इंतज़ार कर रहे थे, पहले से और भी है? तो एक महीने डेढ़ महीने से इंतज़ार कर रहा था जी कि जैसे ही ये खुलेगी, और कल मैंने बाई चांस 4 बजे स्लॉट खोला तो मेरा स्लॉट बुक हो गया और मुझे खुशी हुई। मैं चाहता था मैं स्पुतनिक लगवाऊँ। मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आप अपनी माँ को स्पुतनिक वी लगवाना है जी, तो क्या कहेंगे? अभी तक आपने लगवाया नहीं था? अभी तक लगवाया नहीं था, इसी के वेट चल रही थी अभी तक, तो कि हम तो यही सोच रहे थे कि स्पुतनिक ही लगाएंगे, हम तो इसी का वेट चल रहा था। कितना एज है आपकी मम्मी का? एज 60 है अभी। 60 जी, तब लग गया? हाँ, इंजेक्शन लग गया है, अभी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, नॉर्मल। आधा घंटे के लिए वेट करने के लिए बोला है इनको, अभी तक तो ठीक है। देखिए, ये बत्रा अस्पताल के लिए बड़ी खास वो है कि आज हमारे अस्पताल में स्पुतनिक वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ रेड्डी लेबोरेटरीज, जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं, उनके सहयोग के साथ आज हमने अपने अस्पताल में इसको लॉन्च किया है। ये एक सॉफ्ट लॉन्च है जिस पे हम ग्रेजुअली बहुत आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी यूनिक वैक्सीन है। इस वैक्सीन की 2 डोजेज़ हैं, 3 हफ्ते के बाद दूसरी लगेगी। और ये है वैक्सीन इस तरह से भी है क्योंकि इसकी जो दूसरी डोज है वो वही डोज नहीं है जो पहले देते हैं, अनलाइक अदर वैक्सीन्स। सो इसका कवरेज बहुत अच्छा है और एफिकेसी इसकी 91.6% है। मैंने आम पब्लिक से भी बात किया तो बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे स्पुतनिक का, क्योंकि स्पुतनिक के बारे में जब वो पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देखना है जो ऐसी वैक्सीन जो आज वर्ल्ड में दूसरी अच्छी कंपनीज की वैक्सीन, जो अमेरिका में, इंग्लैंड में जो वैक्सीन चलती हैं, उनके समकक्ष हो कोई एफिकेसी में, तो 91.6% एफिकेसी की वैक्सीन है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है और इसके थोड़ा सा कोल्ड चेन हमें मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि इसका जो प्रिजर्वेशन है वो -20 डिग्री में है। हमने अपने यहाँ सबको SOP उसकी गाइडलाइंस दी है, डॉक्टर निरंजन रावत हैं हमारे यहाँ, वो इसको मैनेज कर रहे हैं। उस पर हमने SOP के साथ कैसे वहाँ से लाना है, कैसे फ्रिज से इकट्ठा करना है, किस तरह से हम लोग पहले 5 लोग बुला लेते हैं, जब क्योंकि ये वैक्सीन एम्प्यूल में है, सिंगल डोज एम्प्यूल है और जो पैकिंग है वो 5-5 एम्प्यूल एक में है, तो हम पहले 5 पेशेंट को बुलाते हैं, उनका पेपर वर्क कर लेते हैं और फिर उसको खोलते हैं, जिससे भारत सरकार की एक भी वैक्सीन बर्बाद ना जाए। क्योंकि आज वैक्सीनेशन की जितनी ज़रूरत है, हम लोग सब, हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है कि हम किसी का कब थर्ड वेव ना आ जाए। और वैक्सीनेशन जिसका सिर्फ एक ही आंसर है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वैक्सीनेट हो जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एक भी वैक्सीन बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महंगी भी नहीं है, इसके कॉस्ट 1145 रुपीज़ है, 995 गवर्नमेंट का रेट है और जैसा मोदी जी का आदेश है कि सिर्फ प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट 150 रुपये ही ले सकते हैं, तो 150 रुपये में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो वी आर ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस बट वी आर प्रोवाइडिंग, बिकॉज हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारी है, उस राष्ट्र की जिम्मेदारी को देखते हुए हमने
पूरी सहयोग के साथ कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन आम जनता को दे सकें और भारत सरकार के साथ उनके इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सहयोगी बने। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल क्या है, दिल्ली का पहला अस्पताल है जहाँ स्पुतनिक वी लग रहा है? जी हाँ। और दूसरा कि आप लोग इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से लोगों को ला रहे हैं और कितने लोगों का डिमांड आ रहा है? देखिए, प्रोग्राम डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। हमने कल 10 बजे पोर्टल खोला था 11 बजे और आधा घंटे के अंदर हमारे आने वाले 4 दिनों के जो भी कोविन पोर्टल में था सब भर गए थे, जितने स्लॉट्स थे। सरकार के आदेशानुसार 50% वॉक इन एंड 50% पोर्टल के साथ हम उसको पूर्णतया मान करके जितने हमने पोर्टल खोल दिए हैं वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनका कर रहे हैं, एंड 50% में जो लोग वॉक इन यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं है तो वॉक इन तो कम ही होंगे, पर पोर्टल के थ्रू आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें उत्साह है लोगों के पास, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। तो आपने सुना यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर SCL गुप्ता का कहना था कि उनके अस्पताल में स्पुतनिक वी का वैक्सीनेशन आज से शुरू कर दिया गया है और नॉमिनल चार्ज जो है, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसी के हिसाब से चार्ज लिया जा रहा है। इसके अलावा वैक्सीन लगवाने वाले लोग काफ़ी खुश दिखे। उनका कहना था कि हम वैक्सीनेशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे और आज जब स्पुतनिक वी दिल्ली में आ गया तो हमने यहाँ पर वैक्सीन लगवाया है। आशुतोष कुमार, ETV भारत, दिल्ली।